हेलो बच्चों, आज हम सेवन चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओह नो इट्स मंडे। ओह नो आज मंडे है। वेक अप मिनी, यू विल बी लेट फॉर स्कूल। उठो मिनी, तुम स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मम्मी कॉल्ड आउट टू मिनी फ्रॉम द किचन। मम्मी ने किचन से मिनी को पुकारा। मिनी ओपन्ड हर आईज। मिनी ने आंखें खोली। ओ नो इट्स मंडे अगेन। अरे नहीं, ये मंडे फिर से है। आई विश टुडे वॉज संडे। काश आज संडे होता। मिनी यार्न। मिनी ने जम हाई ली। व्हाट यस्टरडे वॉज ऑल्सो संडे दीदी। लेकिन कल भी संडे था दीदी। कैन वी हैव टू संडेज इन ए वीक। क्या हम एक वीक में दो संडे कर सकते हैं? आस्क्ड चीकू। चीकू ने पूछा। हर थ्री ईयर ओल्ड ब्रदर इनोसेंटली। उसका जो 3 साल का मासूम सा भाई, उसका 3 साल का भाई था जो मासूम सा, उसने ये पूछा। मिनी लुक्ड एट हिम इन इरिटेशन। मिनी ने उसको चिढ़ में देखा। ही वॉज ऑलरेडी ड्रेस्ड अप ऑल रेडी फॉर स्कूल। वह पहले से ही तैयार था और सभी तैयार थे। ही हैड जस्ट ज्वाइन स्कूल एंड वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट हिज न्यू ड्रेस बुक्स एंड बैग। उसने अभी स्कूल ज्वाइन किया, मतलब एडमिशन लिया था, और उसकी नई ड्रेस बुक्स और बैग के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। हाउ कैन यू बी सो हैप्पी ऑन ए मंडे मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग में के दिन तुम इतने खुश कैसे हो सकते हो? मिनी चाइडेड हर ब्रदर। मिनी ने अपने भाई को डांटा। वाई व्हाट्स रॉन्ग विद मंडे मॉर्निंग। क्यों मंडे मॉर्निंग में क्या गलत है? चीकू फेल्ड आफ्टर हर एज मिनी पिक्ड अप हर टॉवल एंड हेडेड टॉवर्ड द बाथरूम। चीकू जैसे ही उसके पीछे चला, मिनी ने अपना टॉवल उठाया और बाथरूम की तरफ चल पड़ी। ओ नेवर माइंड, मिनी क्लोज्ड द डोर लीविंग ए पजल्ड चीकू बिहाइंड। कोई बात नहीं, मिनी ने दरवाजे को बंद कर लिया और पीछे से एक उलझन में चीकू को छोड़ दिया, मतलब चीकू बहुत पजल हो गया था। चीकू डिसाइडेड टू आस्क हिज ग्रैंडफादर। चीकू ने अपने दादाजी से पूछने का डिसाइड किया। दादाजी टेल मी व्हाट इज स्पेशल अबाउट मंडे मॉर्निंग। दादाजी मंडे मॉर्निंग के बारे में क्या स्पेशल है? चीकू टायर्ड टू शेक हिज ग्रैंडफादर हु वाज बिजी प्लानिंग हिज मूव इन ए गेम ऑफ चेस। चीकू अपने दादाजी को झकझोरने की कोशिश कर रहा था, जो चेस है उसको खेलने में अपनी जो चाल है, मतलब बाजी है, उसको उसके बारे में प्लानिंग करने में बिजी थे। दादाजी गेव एन अब्सेंट माइंडेड नोड टू चीकू। दादाजी ने चीकू को अब्सेंट माइंड, मतलब अनदेखा करते हुए सिर हिलाते हुए इशारा किया। व्हाट आर यू शेइंग दादाजी, चीकू आस्क्ड अगेन।
आप क्या कह रहे हैं दादाजी? चिकू ने दोबारा पूछा। अब इसको आप वर्क फिर कॉपी में करेंगे सभी बच्चे और मुझे सेंड भी करेंगे। थैंक यू एवरीवन।